हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी वेज कीमा व सोया कीमा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेज कीमा बनाने के ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सोयाबीन को मैं पहले ही पानी में भिगो के और पानी निचोड़ के लिया। मैं 1 कप सोयाबीन लिया, 1 टमाटो को प्यूरी बना के रखा, हरे धनिया को बारीक चॉप करके रखा, 2 बड़ा ऑनियन ऐसे बारीक चॉप करके लिया, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 4 ग्रीन चिली स्लिट करके रखा, 2 चम्मच ऑयल यूज़ करूँगी, टेस्ट का अकॉर्डिंग नमक, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। सोयाबीन को पानी में भिगो के सोख करके रखा था, वो पहले कीमा बना लूँगी। इसके लिए ग्राइंडर का जार ले लिया और पीस के रेडी करूँगी। पहले सोयाबीन को पीस के रेडी कर लिया, एक बाउल में निकल के रखती हूँ। फिर अगले प्रोसेस में जाऊँगी। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया। कढ़ाई गर्म हो गया, वे ऑयल ऐड कर देती हूँ 2 चम्मच। अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। ऑनियन जो चप करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। ऑनियन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया वो ऐड कर देती हूँ और ग्रीन चिली वो भी अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेती हूँ। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब जो सूखा इंग्रेडिएंट्स लिया, हल्दी पाउडर वो ऐड कर दिया, धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेती हूँ। सूखा मसाला को 1 मिनट फ्राई करने को बाद जो टोमेटो को प्यूरी करके रखा था वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लेती हूँ। मसाला को और 5 मिनट भून लूँगी। मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। जो सोयाबीन को ग्राइंडर में पीस के रेडी कर लिया, कीमा बना के रखा था वो ऐड कर दिया और मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके और 2 मिनट फ्राई करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और गरम मसाला ऐड कर देती हूँ और मसाला के साथ सोयाबीन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट फ्राई कर लिया। अभी थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी।
अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। किमा मसाला को और 2 मिनट बॉईल कर लूँगी। ऊपर से हरे धनिया स्प्रेड कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। टेस्टी सोया कीमा बनके रेडी हो गया। भेज कीमा अभी गैस बंद कर देती हूँ और एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी बना, हेल्दी तो है ही, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसे आप लोग कीमा बना के खाइए और आप लोग को अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। नॉन वेज में 2 कीमा का रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। कीमा का रेसिपी मेरा बहुत पसंद आया, इसके लिए आज वेजिटेरियन लोग के लिए ये सोया कीमा व वेज कीमा बना के रेडी कर लिया। टेस्टी हेल्दी वेज कीमा व सोया कीमा बन के रेडी हो गया। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।